श्री रणदीप सुरजेवाला। शुक्रिया सभापति महोदय। कल 25 मिनट्स। शुक्रिया सभापति महोदय। बजट के भाषण की शुरुआत माननीय वित्त मंत्री जी ने तीन शब्दों से की, किसान, गरीब और युवा। तो पूरे देश को हमारे समेत एक उम्मीद जगी, पर चंद मिनटों बाद ही पता चला कि ये बजट तो कुर्सी बचाओ, सहयोगी दल पटाओ और हार का बदला लेते जाओ बजट। सभापति जी, पर क्या इस सरकार को देश के अन्नदाता किसान की कराहट, गरीब की लाचारी और युवा की बेरोजगारी की चिल्लाहट सुनाई भी देती है? सवाल ये भी है कि क्या भारत माँ के बच्चों का दर्द वे उसकी सिसकियों की गूंज सत्ता के गलियारों में अब बेरुखी का सबब बन गई? क्या जात और धर्म के विभाजन में फंसे सत्ता में बैठे हुक्मरान इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें अब अन्नदाता किसान, गरीब और युवा भी जाति नजर आते? मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा बजट के पैरा 14 की ओर। उसमें साफ लिखा कि तीन जातियों की हम बात करेंगे, एक किसान, एक महिला और एक युवा। सभापति जी, 75 साल में पहली बार सत्ताधारी सरकार को किसान, नौजवान और युवा महिलाओं को भी जाति और धर्म की वर्ण व्यवस्था से देखने लगे। बात ना करें मिस्टर निषाद, बैठ करके बात ना करें प्लीज, बैठ करके बात ना करें। सभापति जी प्लीज पॉज माय टाइम। अब सर, इफ दे डिस्टर्ब देन यू हैव टू पॉज माय टाइम। मैं माननीय वित्त मंत्री को केवल यही कहूंगा कि किसी गरीब दुपट्टे का कर्ज है उस पर, किसी गरीब दुपट्टे का कर्ज है उस पर तुम्हारे पास जो रेशम की शाल है निर्मला जी। आइए जानते हैं इस बजट में उन्हीं तीन शब्द जो इस्तेमाल किए गए, किसान, युवा और गरीब के लिए क्या है। सभापति जी, खेत, खेती और खेतीहर विरोधी है ये बजट। 10 साल में इस सरकार ने देश के 72 करोड़ अन्नदाता किसान मजदूर को पीठ में लाठी और पेट में लात मारी है। शरीर के घाव तो मिट गए, पर 72 करोड़ अन्नदाता किसानों की आत्मा के घाव आज भी जोंके त्यों हैं। पिछले 10 सालों में कभी सीने पर गोली मार या जीप से रौंदकर किसानों का जीवन छीना, कभी तीन काले कानूनों के खिलाफ न्याय मांगते लाखों किसानों के रास्ते में कील, नश्तर और पत्थर बिछा दिए, कभी अन्नदाता किसान को आतंकी, उग्रवादी, मवाली, गुंडा बता हम करोड़ों मेहनत कशों के आत्म सम्मान पर हमला कर डाला। और जब उसी अन्नदाता ने 400 पार को 240 पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो आज उसकी बजट के माध्यम से आजीविका छीन रहे हैं। लगता है कि जो किसान और मजदूर ने सबक सिखाया वो अब बजट के माध्यम से खेत और खलिहान से बदले के रूप में बदल गया है। और इसका सबूत है, और उस सबूत को मैं इस पटल पर रखना चाहूंगा। सभापति जी, प्रधानमंत्री जी ने देश के अन्नदाता से दो वादे किए थे। पहला वादा था किसान को लागत पर 50% मुनाफा मिलेगा, यानी इनपुट कॉस्ट, फैमिली लेबर, जमीन का किराया और उपकरणों की कीमत पर 50% मुनाफा मिलेगा, यही MSP होगी। प्रधानमंत्री ने दूसरा वादा किया था कि साल 2022 तक देश में किसान की आय दुगनी कर दी जाएगी। सवाल यह है कि 2024-25 का यह बजट और सरकार क्या इस पैमाने पर खरी उतरी है? हल बड़ा सीधा था। पहला हल था, या तो सरकार MSP बढ़ाती, फसल की खरीद करती, किसान की आय दुगनी हो जाती, या फिर सरकार प्रति एकड़ प्रोडक्टिविटी बढ़ाती, एक एकड़ या एक हेक्टेयर में दुगनी फसल होनी शुरू हो जाती तो किसान की आय दुगनी हो जाती। पर क्या यह हो पाया? सवाल यह है। वित्त मंत्री ने
अपने भाषण के बजट भाषण के पैरा 4 में कहा, एंड आई विल लाइक टू कोट हर, शी सेड, सर अन्नदाता के लिए हमने एक महीना पहले सभी मुख्य फसलों के लिए उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करके लागत पर कम से कम 50% मार्जिन देने का वादा पूरा किया। इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा असत्य कोई हो नहीं सकता। कड़वी सच्चाई यह है कि किसान को लागत जमा 50% मुनाफा के बराबर MSP नहीं दिया जाता। कड़वी सच्चाई यह भी है कि किसान को घोषित MSP पर फसल खरीदी ही नहीं जाती। और कड़वी सच्चाई यह भी है कि हर किसान पर देश में 74,000 रुपया कर्ज है, परंतु किसान की कर्ज माफी का एक शब्द भी इस बजट में नजर नहीं आता। अब वित्त मंत्री के इन लाइनों के असत्य को मैं आपके समक्ष सबूत समेत साबित करूंगा। उन्होंने कहा किसान को लागत पर 50% मुनाफा दिया, पर खरीफ 2024-25 का लागत पर प्लस 50% मुनाफा पर MSP निर्धारित ही नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा, मैं CACP की रिपोर्ट ऑथेंटिकेट करने के लिए साथ लेकर आया, ताकि आप चाहें तो मैं उसे पटल पर रख दूंगा। CACP यानी देश के कृषि मूल्य निर्धारण आयोग की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक MSP खरीफ का C2+50% नहीं है। और मैं एक एक फसल अब आपको बताऊंगा। खरीफ फसल 2024-25 में C2+50% धान का होना चाहिए 3012, मोदी सरकार ने दिया 2300 यानी 700 रुपए कम। जवार का होना चाहिए C2+50% CACP के मुताबिक 4437 रुपया क्विंटल, सरकार ने दिया 3371 रुपया क्विंटल। बाजरे का C2+50% होना चाहिए 2904 रुपया प्रति क्विंटल, आप तो खुद भी लगाते, सरकार ने MSP दिया 2625 रुपया प्रति क्विंटल। मक्के का C2+50% होना चाहिए 2794 रुपया प्रति क्विंटल, सरकार ने MSP दिया 2225 रुपया प्रति क्विंटल। रागी का C2+50% है CACP रिपोर्ट के मुताबिक 5197 रुपया प्रति क्विंटल, सरकार ने घोषित किया 4290 रुपया प्रति क्विंटल। तूर यानी अरहर का C2+50% है 9756 रुपया प्रति क्विंटल, सरकार ने दिया 7550 रुपया प्रति क्विंटल, 2000 रुपया कम। मूंग का C2+50% है 10956 रुपया प्रति क्विंटल, सरकार ने दिया 8682 रुपया प्रति क्विंटल यानी 2500 रुपया कम। उड़द का C2+50% है 9744 रुपया प्रति क्विंटल, सरकार ने दिया 7400 रुपया प्रति क्विंटल यानी 2000 रुपया प्रति क्विंटल कम। मूंगफली का C2+50% है 8496 रुपया प्रति क्विंटल, सरकार ने MSP दिया 6783 यानी फिर 2000 रुपया कम। सोयाबीन का C2+50% है 6436 रुपया प्रति क्विंटल, सरकार ने दिया 4892 रुपया। मैं पूछता हूं, क्या एक ऐसी फसल है खरीफ 2024-25 में जो वित्त मंत्री ने बजट में कहा कि हमने लागत पर 50% मुनाफा दे दिया, ये वो रिपोर्ट है, आपकी रिपोर्ट है 2024-25 की। C2+50% एक फसल का भी नहीं दिया, यानी वित्त मंत्री ने सदन के पटल पर सरेआम बजट में झूठ बोला। असत्य बोलते रहो आप। असत्य बोला, मैं करेक्ट करता हूं। और माननीय चेयरमैन सर, यही नहीं, ये लोग MSP तो घोषित करते हैं पर MSP पर फसल ही नहीं खरीदते। BJP सरकार में, ये भी मैं अभी साबित करूंगा, अभी देखिए अगले, आप मंत्री जी आपको समय मिलेगा, अभी आप बताइएगा बजट के जवाब में, भाजपा सरकार में, मोदी सरकार में MSP अब मैक्सिमम सफरिंग फॉर फार्मर बन गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं रहा, क्योंकि MSP के मायने ही नहीं बचे। ये MSP की घोषणा तो करते हैं पर MSP पर फसल नहीं खरीदते। ये मैं नहीं कह रहा,
ये 2022-23 के आंकड़े अब कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद हैं, और मैं केवल वो लेकर आया और मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर उन्हें रखूंगा। 2022-23 में इनके आंकड़ों के मुताबिक गेहूं का उत्पादन हुआ 1,068 लाख टन। उन्हीं के मुताबिक, जो उन्होंने आंकड़े अपलोड किए हैं, सरकार ने खरीदी 187,92,000 टन, यानी 100% के उत्पादन के मुकाबले में 18% गेहूं एमएसपी पर आपने खरीदी। शर्म की बात है। तिलहन, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों, मूंगफली, तिल, इनका उत्पादन आपके आंकड़ों के मुताबिक 22-23 के ही अभी अपलोड हुए, वो हुआ देश में 370 लाख टन। आपने कितना खरीदा? 48,000 टन एमएसपी पर, यानी 0.13% एमएसपी पर खरीदा। दालें, उत्पादन हुआ आपके मुताबिक 276,90,000 टन। आपने कितना खरीदा? 1,20,000 टन, यानी 0.43%, 99.5% खरीदा ही नहीं एमएसपी पर। ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का, जो गुजरात में भी होता है, उत्पादन हुआ 491,70,000 टन। सर, आप हमें तो बोलते हैं, बैठे बैठे रिमार्क करते हैं, वहां मिनिस्टर आप बैठे बैठे बात नहीं कर रहे हैं, माननीय सदस्य जी। ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का का उत्पादन हुआ 491,70,000 टन। इन्होंने खरीदा कितना? 1,28,000 टन, यानी 0.26%। धान हुआ 1,302 लाख टन, खरीदा 651 लाख टन, यानी 50%। ये चार्ट है, इसका मतलब ये है कि धान की फसल जो 50% खरीदी, अगर उसे छोड़ दूं तो गेहूं, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों, मूंगफली, तिल, दाल, ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का, एक भी ऐसी फसल नहीं है जो इन्होंने लगभग 1% से 17% से ज्यादा एमएसपी पर खरीदी हो। तो उस एमएसपी के मायने ही क्या, जो इस देश के अन्नदाता किसान को मिलेगा ही नहीं। सर, ये एक बात है। एक और बड़ा खुलासा मैं आपके समक्ष करूंगा। ये बजट के अंदर बड़ी बड़ी स्कीमें बनाते हैं, किसान की, गरीब की, अन्नदाता की, उसका नाम लेते हैं, पर उस स्कीम का पैसा कभी खर्चते नहीं। 6 स्कीम का अध्ययन किया मैंने पिछले 10 साल के बजट का, 6 स्कीम्स का, जो कृषि की सबसे बड़ी है। आप चौंक जाएंगे ये सुन के, 3 लाख करोड़ रुपया उन 6 स्कीम्स पर आपने खर्च ही नहीं किया। 3 लाख करोड़ रुपया, शर्म की बात है। और मैं आपको एक एक स्कीम का डेटा लेकर आया हूं, आप कहेंगे तो ऑथेंटिकेट कर दूंगा, मैं सारे कागजात आपके लाया हूं। पीएम किसान जो 2019-20 के अंदर आप लेकर आए, उन 2019 से 2024 के बीच में कुल पैसा बजट में मंजूर किया 4,03,000 करोड़। चेक करिएगा मंत्री जी, खर्च कितना किया? 2,34,783 करोड़। कितना खर्च नहीं किया? 1,68,217 करोड़, यानी 48% आपने अनाउंस किया फिर रख लिया अपने पास। नंबर 2 स्कीम देश के साथ पढ़ लीजिएगा, इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर, सर देखिए आप पॉज करिए, मेरा समय, उन्हें समय दीजिए, बाद में भाषण सुन लीजिएगा। माननीय सदस्य, यू हैव टू पॉज माय टाइम सर, सर यू हैव टू पॉज माय टाइम और गिव हिम परमिशन। आप बोलिए। इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू फार्मर्स, इसका नेम अब 2022-23 में इन्होंने चेंज करके रख दिया, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इसका 2016 में शुरू हुई, 16 से 24 के बीच का बजट है, 1,68,743 करोड़। खर्च दिया कितना? 1,11,423 करोड़। कितना पैसा खर्चा ही नहीं, अपने पास रख लिया 57,320 करोड़, यानी 34%। शर्म की बात है। तीसरा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसमें 5 स्कीम सबस्यूम कर दी, 2015 से 24 के बीच में 54,543 करोड़ इसमें इन्होंने बड़ी घोषणा की बजट के अंदर दिया। खर्चा कितना?
केवल 27,385 करोड़। कितना पैसा नहीं खर्चा? 27,158 करोड़। 50% खर्चा ही नहीं 10 साल से। शर्म की बात है आपकी। शर्म करो भाई, शर्म। अरे सर बैठे बैठे मिनिस्टर कैन नॉट कॉमेंट। आप बोलिए। आई विल यील्ड, लेट हिम स्पीक, नो प्रॉब्लम। आप बोलिए। नहीं, वो आगे बैठे। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2014 से 22 के बीच में दिया 19,478 करोड़। खर्चा कितना? केवल 14,108 करोड़। कितना पैसा रख लिया? 5,370 करोड़। और पीएम फसल बीमा योजना, बजट 2014 से 24 के बीच में 1,22,050 करोड़, पर दिया कितना? केवल 88,635 करोड़। 33,415 करोड़, यानी 28% आप पीएम फसल बीमा योजना का भी खा गए। लानत है आपके ऊपर, लानत है। शेम, 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 शेम। चेयरमैन सर प्लीज पॉज माय टाइम, मेरा टाइम पॉज करिए। कृपया सर पॉज, पॉज माय टाइम। कृपया बैठिए प्लीज सर। कृपया बैठिए सर, या तो मेरा टाइम पॉज करिए। माननीय सदस्य, हां आप बैठिए, कृपया बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। बोले ये लानत सब ठीक नहीं है, लानत सब ठीक नहीं है, इसको निकाल देंगे। सर, मैं अपने, आप बोलिए, बोलिए। लानत को लागत बोल दीजिए। सर 2,98,178 करोड़ रुपया, यानी 3,00,000 करोड़ खेती की 6 स्कीम्स का ये खा गए, इन्होंने दिया नहीं। सर पॉज करिए मेरा समय। सर पॉज माय टाइम। सर ये कृपया बैठिए, बैठिए प्लीज। आप बैठिए, आप बिराजिए, बैठिए। परेशान हो गए हैं, बैठिए, बैठिए। आप ऐसे शब्दों का, मैं अगले विषय पर चले जाता हूँ, इससे इनको ट्रबल हो रही, कोई नहीं, अगले विषय छोड़ देते। गांव की भाषा की तरफ चले जाते हैं सर। मैं, आप शहर की भाषा में आइए। ठीक, मैं शहर की भाषा बोलता हूं, जैसा आपने पंडित जी, जैसा आदरणीय पंडित जी का हुक्म। सर पीएम किसान सम्मान निधि, अगला स्कीम में जो आपके संज्ञान में लाऊंगा, जिसमें इस बजट में है, 35% से देश के अधिक किसान उससे आज वंचित हैं। लास्ट एग्रीकल्चर सेंसस आपकी गवर्नमेंट ने किया 2015-16 में, उसके बाद कोई एग्रीकल्चर सेंसस नहीं किया। आपके मुताबिक उस एग्रीकल्चर सेंसस में जो 2018 में आया था, 14,64,00,000 देश में किसान हैं। जब किसान सम्मान निधि आपने शामिल की तो कहा 11 करोड़ किसानों को देंगे, यानी पहले दिन ही 3,64,00,000 किसान अन्नदाता उससे आपने बाहर कर दिए। कोई बात नहीं, 21-22 में पीएम किसान सम्मान की जो किश्त थी वो 10,79,00,000 किसानों को दी। अब 18 जून को इस सरकार के गठन के बाद 17वीं किश्त 9,26,00,000 किसानों को सिर्फ दी, यानी 1,53,00,000 किसान और गायब कर दिए। तो 3,64,00,000 और 1,53,00,000, 5,17,00,000 किसान आज पीएम किसान निधि से महरूम है। 9,26,00,000 को 6,000 मिलते हैं और 5,17,00,000 महरूम है, इसका जवाब वित्त मंत्री जी देंगे, मुझे विश्वास है। कृपया सर, कृपया बैठे बैठे कमेंट पे बता दीजिएगा ना सर। अब आप बता दीजिएगा, बाद में आकर बोलिएगा। यू हैव टू पॉज माय टाइम सर। आप सर, यू हैव टू पॉज माय टाइम और यू हैव टू कंट्रोल योर मेंबर सर। वो आप बता देना बाद में ना, वो आप बता देना बाद में ना। आप बैठिए नीरज जी, आप बैठिए। माननीय सदस्य कृपया, ये आप बता दीजिए, बाद में आपको अवसर मिलेगा। सर सच्चाई जो है वो कड़वी होती है, वो पेट में। आप कृपया बैठ जाए, माननीय सदस्य बैठ जाए। सर सच्चाई, सच्चाई कड़वी होती है, उससे पेट में दर्द होता है, और जो किसान विरोधी लोग हैं उनको जरूर दर्द होता है। पर मैं मेरे साथी को कुछ कह ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों उनको तकलीफ। मैं आपको कुछ कहा ही नहीं,
चेयरमैन साहब, कृपया पीएम किसान निधि का पैसा आप बोलते इस बजट में 8,000 करोड़ और काट दिया है। 2022-23 में किसान सम्मान निधि का पैसा था 68,000 करोड़, 23-24, 24-25 में रह गया 60,000 करोड़। इसका मतलब किसान 5,17,00,000 जो कम किए हैं उनकी संख्या और कम करनी है। एक और मैं आपके संज्ञान में लाऊंगा, 6,000 रुपया की बड़ी ढोल पीटते हैं, 6,000 रुपया देते हैं और 70,000 रुपया प्रति हेक्टेयर किसान की जेब से निकालते हैं। ये मैं सबूत के साथ अब इस पटल पर रखूंगा। एक हेक्टेयर में चेयरमैन सर 2.47 या 2.5 एकड़ जमीन होती है। इस देश में औसत किसान की पास 1.21 हेक्टेयर है, यानी लगभग 3 एकड़ जमीन है। सरकार द्वारा जो 10 साल में इनपुट कॉस्ट बढ़ाई है, उस पर जो टैक्स लगाया है खेती पर, उसका अतिरिक्त बोझ 23,263 रुपया सालाना है। अगर आप 3 एकड़ से गुना करें तो 70,000 रुपया बनता है। ये कैसे है मैं आपको ये आपके समक्ष रखूंगा। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो डीजल का रेट था 56 रुपया लीटर। आज जाकर चेक करिए, डीजल का रेट है 87 रुपया 62 पैसे लीटर, यानी 31 रुपया 62 पैसे लीटर बढ़ गया। उत्तर भारत में खास तौर से एक किसान, और आप भी खुद किसान हैं, लगभग 250 लीटर प्रति एकड़ डीजल इस्तेमाल करता है। तो अगर 250 रुपये करता है और 31 रुपया 62 पैसे कीमत बढ़ी, तो 7,905 रुपया कीमत बढ़ गई। फिर खाद पर आ जाइए, प्रति एकड़ जो किसान खाद इस्तेमाल करता है, दो कट्टे डीएपी हम जरूर इस्तेमाल करते हैं। जब यूपीए की सरकार थी 2014 में, डीएपी का रेट था 1,150 रुपया। आप भी आज खरीदते हैं, मैं भी खरीदता हूं, मित्र लोग भी खरीदते होंगे। आज 1,350 रुपया हो गया, यानी 200 रुपया बैग का इजाफा, 2 बैग में 400 रुपया बढ़ गया। यूरिया जो है वो 8-4 एक सीजन में 4 एक में डालते हैं, तो 8 बैग यूरिया 1 एकड़ में हम इस्तेमाल करते हैं। उसका रेट तो 271 ही रहा, पर ये पहली सरकार है जिसने 5 किलो यूरिया बैग में से चोरी कर लिया। Yes. 50 किलो का कट्टा 45 किलो का हो गया, का कर दिया गया। तो अगर 8 बैग इस्तेमाल किए, 5 किलो अगर निकल गया, सर देन यू पॉज, सर देन यू पॉज, पॉज माय टाइम, लेट द मिनिस्टर स्पीक। मिनिस्टर था, मंत्री महोदय, कोई 5-5 केजी यूरिया चुरा लिया ऐसा शब्द प्रयोग करके सदन को और देश को गुमराह करना उचित नहीं है। आप अपनी बात अवश्य रखें, लेकिन बात में विवेक होना चाहिए। अनाप चनाप आक्षेप प्रत्याक्षेप कर रहे हैं और बाद में यहाँ हमारी ओर से कोई सदस्य कहे तो कहते हैं हमें डिस्टर्ब करते हैं, उचित नहीं है। वो आप अपनी बात अवश्य रखें, लेकिन तथ्य के आधार पर रखें। और कोई सदन को और देश को 5 किलो यूरिया चुरा लिया मतलब क्या? ये सरकार है माननीय डेप्यूटी चेयरमैन सर, हमने फर्टिलाइजर का 10 साल में 1 भी रुपया प्राइस नहीं बढ़ाया और कभी कमी नहीं होने दी। 5 किलो कम किया, केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज कम करें। आप बैठे सुख सिंह, अरे चुप रहिए, अरे देखिए, मन सुन गया। आप बैठ, देखिए माननीय सदस्य ने यील्ड किया, वो बैठ गए इसलिए मैंने उनको अलाउ किया, इतना तो मैं जानते ही। बहुत शुक्रिया चेयरमैन सर। सर रेट तो नहीं बढ़ाया पर खाद कम कर दी, तो रेट ही बढ़ गया 50 किलो का 45 किलो का। सर यू हैव टू, यू कैन नॉट हैव रनिंग कमेंट्री सर। आई टेक वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन, यू हैव टू रिड्यूस, आइदर पॉज माय टाइम, यू कांट हैव रनिंग कमेंट्री, नो सर। सर आई यील्ड, यू लेट हिम स्पीक फॉर हाफ एन आवर। देखिए, माननीय सदस्य कोई ऐसी बात हो जिस बात को कोई मंत्री, आप सुनिए, कोई माननीय मंत्री महोदय बीच में कहना चाहे और बोलने वाले सदस्य यील्ड करते हो और गलत तथ्य हो तो उसका अवसर दिया जाता है। अब मैं आपको माननीय, आप बोलिए, कृपया,
आप थोड़ी है, ये चोरी ही हुई ना। सुरजेवाला जी कृपया सुनो सर, 17 बार नहीं किया बोल रहे हैं, इंटरप्ट किया है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा वो एक्स्ट्रा समय देंगे। 17 बार कर चुके, मैं गिन रहा हूं। पोटाश का जो सर दो, तो इसलिए सर 108 रुपया, क्योंकि 5 किलो खाद कम हो गया तो उसकी बढ़ गई। पोटाश का जो खाद है वो 2 कट्टे कम से कम किसान साल में डालेगा। 2014 में 800 रुपए कीमत थी, आज 1525 रुपया है, 725 बढ़ा दी तो 1450 रुपए वो बढ़ गए। 1 एकड़ में 2 किलो एनपीके खाद भी हम डालते हैं, 2014 में वो 750 रुपए थी, आज 1350 है, 1200 रुपए उसके बढ़ गए, तो 3158 रुपया अतिरिक्त केवल खाद का पैसा बढ़ा। बीज में 2024 में गेहूं का 2967 बीज आप भी लगाते हैं, मैं भी लगाता हूं, सब किसान लगाते हैं, वो 31 रुपए था, अब 41 रुपया है, 400 रुपया उसके अंदर बढ़ गया। धान में पीआर 1121 का जो बीज है उसमें 600 रुपया बढ़ गया 10 साल के अंदर। कीटनाशक दवाई गेहूं के हर्बिसाइड में 1600 रुपया अतिरिक्त बढ़ गया, और धान में जो 4 स्प्रे करते हैं उसमें 5000 रुपया बढ़ गया, 6600। ये कुल मिलाकर बना प्रति एकड़ 23,263, यानी 3 एकड़ से अगर औसतन में गुना करूं तो 70,000 रुपया टैक्स लगाकर निकाल लिया, और 6,000 रुपया देकर बोलते हैं ताली पीटो। सेम, यह बड़ा अजीब सिस्टम है। और सर, सरकार के कृषि मंत्रालय ने भी विरोध किया, गब्बर सिंह टैक्स खेती पर मत लगाओ, ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपको स्टैंडिंग कमेटी में जहां कृषि मंत्रालय ने जवाब दिया वो पढ़कर बता रहा हूं, उनकी जो रिपोर्ट है स्टैंडिंग कमेटी की, उन्होंने ये, मैं 69th रिपोर्ट पढ़ रहा हूं सर, उसमें कृषि मंत्रालय ने कहा है, आई कोट पैरा 1.18, इन इट्स एक्शन टेकन रिप्लाई द मिनिस्ट्री हैज स्टेटेड द जीएसटी रेट स्लैब्स आर डिसाइडेड बाय द जीएसटी काउंसिल, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर सिंस 2017 इज कंटिन्यूअसली परस्यूइंग रिडक्शन रैशनलाइजेशन इन द जीएसटी रेट्स फॉर एग्रीकल्चर मशीन्स एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग ट्रैक्टर पावर टिलर्स एंड कंबाइन हार्वेस्टर। ये सरकार तो अपने कृषि मंत्रालय की बात नहीं सुन रही, देश के किसान की बात कहां से सुनेगी। और सर, सर देन अगेन ही इज इंटरप्टिंग। विराज जी, विराज जी, सर यू हैव टू पॉज माय टाइम। आप विराज जी, आप सर यू हैव टू पॉज, दिस इज द 19th इंटरप्शन नाउ। थोड़ा मेरा डिफरेंस है, मेरे 12 बार आया, आपका 19 बार आ गया, तो सर 12 मिनट बढ़ा दीजिए। बोलिए सर, 12 मिनट बढ़ा दीजिए ना, बोलिए आप, मैं आपकी बात मानूंगा, आप बढ़े, आप बोलिए बोलिए सर। एक कमाल की बात यह है कि इस देश में अगर कच्चा हीरा है उस पर जीएसटी है 0.5%, पॉलिश्ड हीरा है उस पर जीएसटी है 1.5%, पर मेरी खाद पर जीएसटी है 5%, मेरी पेस्टिसाइड्स पर, कीटनाशक दवाई पर जीएसटी 18%, ट्रैक्टर पर है 12%। किसी सरकार के लिए भी इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है, हीरे पर जीएसटी 0.5% और कृपया बैठे बैठे नहीं बोले, कृपया 12%, कीटनाशक दवाई पर 18%, ये इस सरकार की असलियत है सर। एक तरफ तो एमएसपी नहीं बढ़ा, न एमएसपी पर खरीद हुई जैसा मैंने साबित किया, दूसरी तरफ प्रति एकड़ प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई। अरे सर, सर 10 साल, कृपया सर, यू हैव टू पॉज माय टाइम, कृपया नागर साहब, यू हैव टू पॉज माय टाइम सर, और यू हैव टू नेम द मेंबर, आप बोलिए मानिस। 10 साल में सर पैदावार की कंपाउंड ग्रोथ रेट 2% रह गई है, बस ये है किसान की हालत। चावल 1.7%, गेहूं 1.7%, सोयाबीन 0.6%, ऑयल सीड 1.8%, तुअर दाल 1.9%, कैसे आय दुगनी होगी जब आपकी ग्रोथ रेट ही 1.7% है। मैं नहीं कह रहा, सीएसईपी की जो ताजी रिपोर्ट आई है अगर ये पढ़ते तो उसमें इन्होंने लिखा हुआ। और चौंकाने वाली बात यह है कि जो ताजा रिपोर्ट है उसके अंदर यह भी लिख दिया कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर की जो ग्रोथ है वो 2023-24 में मात्र 0.7% रहेगी। ये देश का कॉस्ट एंड एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कमीशन कह रहा है। ऐसे में किसान की आय दुगनी तो 100 साल लगेंगे उसके अंदर, ये हालत है।
और नाम बड़े दर्शन छोटे, असली में इनका यही है। सर जो तिलहन और दलहन के बारे में कृषि ये वित्त मंत्री जी ने पैरा 13 में कहा कि हम इस पर आत्मनिर्भर हो गए, पर वो दो बातें बताना भूल गई। पहली बात, भारत की जरूरत का 60% खाने का तेल आज भी हम इंपोर्ट करते हैं। 2022-23 में इन्होंने 157 लाख टन यानी 1,67,000 करोड़ का खाने का तेल आयात किया, जो 21-22 के मुकाबले में डबल था, और इस साल 23-24 में ये 9 महीने में ही 121 लाख टन आयात कर चुके हैं। और वित्त मंत्री बजट के पैरा 14 में कहती हम आत्मनिर्भर हैं। दाल के बारे में भी उन्होंने कह दिया हम आत्मनिर्भर हैं, पर 2023-24 में अप्रैल और दिसंबर के बीच 28,40,000 टन दाल का आयात हुआ है, उसमें अधिकतर अडानी विल्मर के द्वारा किया गया है। 2022-23 में 17.5 लाख टन था। तो दाल का आयात बढ़ रहा है, तेल का आयात बढ़ रहा है, और वित्त मंत्री पैरा 14 में कहती है हम आत्मनिर्भर हैं। और 11 ऐसी स्कीम्स हैं, मैं यहां ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपने मुझे 12 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं, 10 बचा तो जिनमें इन्होंने पैसा काट लिया। जितना एक्स्ट्रा समय लेंगे आपकी पार्टी का ही है सर, मेरी इंटरप्शन का तो आप देंगे सर, पर मैं ये कहना चाहूंगा ये जान ले और पहचान ले कि देश का अन्नदाता किसान आपके जुल्मों के आगे झुकेगा नहीं और न्याय के पथ पर रुकेगा भी नहीं। जैसा मेरे लीडर राहुल गांधी और खड़गे जी कहते, किसानों को दरबारों की दरकार नहीं, अन्नदाता तो महलों पर बैठे हुए मठाधीशों को खेत और खलिहानों की ड्योढ़ी पर झुकाता आया है। इसीलिए किसी ने कहा है ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, वो बेचारे हैं बेचारों से क्या लेना, जो मांगेंगे तूफानों से मांगेंगे, सत्ता में मदहोश इन अहंकारी गलियारों से क्या लेना, अपने संकल्प की सिद्धि से जीतनी है ये जंग हमने, लकड़ी की तुम्हारी तलवारों से क्या लेना। और सर एक और पहलू है, वो है गरीब का, मैं बस मेरी बात खत्म कर रहा हूं। पीएम गरीब कल्याण के नाम पर 80 करोड़ लोगों को 13.75 रुपये का झुंझुना पकड़ाया है आपने, उसका सबूत भी मैं लेकर आया हूं। सर कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लेकर आई थी, इन्होंने उसका नाम बदलकर रख दिया पीएम गरीब कल्याण योजना। एनएफएसए में पहले से ही, सर अब वो इंटरप्ट कर रहे हैं तो मेरा टाइम पॉज करिए, समाप्त करें आप बोलिए। एनएफएसए में पहले से ही हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज हर महीने देने का प्रावधान है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। 3 रुपए प्रति किलो की रियायती दर से चावल, 2 रुपए प्रति किलो की रियायती दर पर गेहूं, ये हम पहले से ही दे रहे थे। आजकल 75% चावल और 25% गेहूं देते हैं। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल में से 75% 60 करोड़ हो गए। 60 करोड़ को अगर आप 5 किलो चावल 3 रुपए की रियायती दर से दें तो बनते हैं 900 करोड़। 20 करोड़ को 2 रुपए किलो की गेहूं दें तो बनते हैं 200 करोड़। कितने बने 80 करोड़ को? 1100 करोड़। बाकी तो हम पहले से दे रहे थे, 1100 करोड़ 80 करोड़ को दो बनते हैं 13.75 रुपये। इसीलिए कहते हैं गरीब के अधिकार पर भी मार्केटिंग करना। जो स्कीम हमने बनाई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, उसमें 3 रुपया और 2 रुपया पर पहले से दिया जा रहा था, समाप्त करें। आप 13.75 रुपये देते हैं। सर आपने मुझे कहा था मेरी इंटरप्शन के 11 मिनट मुझे, मैंने पूर्ति कर दी उसकी। नहीं सर 5 मिनट हुए, वो देखिए सर आप ब्रज 5 मिनट बढ़ा दीजिए, आपने 5 ही मिनट दिए। सर एक छोटा सा पहलू मैं और कहूंगा, आप समाप्त करें मनीष। सर 5 मिनट आपने, 10 मिनट आप ही ने कहा। नहीं, मैं नहीं देने वाला हूँ, आपकी पार्टी ने आपको दिया, आप समाप्त करें। ओके सर, मैं गिव मी 2 मिनट्स, आई एम वाइंडिंग अप सर, आप समाप्त। सर तीसरा पहलू है बेरोजगारी। आज बेरोजगारी ही सबसे बड़ी महामारी है, और 3 तथ्य रखकर उसके बाद मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। सर वायदा था 2 करोड़ रोजगार देने का, यानी 10 साल में 20 करोड़, पर इस सरकार का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ प्रधानमंत्री को ही पता नहीं कि रोजगार कितने दिए। मैं आपको उसके 3 उदाहरण देना चाहता हूँ। 5 मई 2024 को प्रधानमंत्री के पूर्व आर्थिक सलाहकार कहते हैं कि पिछले 8 साल में 1 करोड़ नौकरी दी। 20 मई 2024 को मैं साक्षात्कार का वीडियो लाया हूं, प्रधानमंत्री एनडीटीवी को साक्षात्कार में कहते हैं
सात साल में 6 करोड़ नौकरी दी। उसके 58 दिन बाद प्रधानमंत्री 13 जुलाई 2024 को मुंबई में कहते हैं 3 साल में 8 करोड़ नौकरी दी। उसके एक दिन के बाद प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी जी कहते हैं 10 साल में 12.5 करोड़ नौकरी। ये सर दी कितनी है सर? एक मिनट में कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम आया, आपने मुझे बंद कर दिया। सर प्रधानमंत्री को अगर देश के पता नहीं कि नौकरी कितनी दी तो होगा क्या? एन सनमुखम कृपया समाप्त, आप कृपया समाप्त की, आप मैंने पुकार लिया मानिस। सर इन्होंने एक झुनझुना बजट लेकर आए हैं, वो बजट है बदला लो कुर्सी बचाओ। 400 के वादे को 240 पर ला छोड़ने की सजा अब प्रांतों को दी जा रही है। समाप्त हुआ। यूपी ने लोकसभा में हराया, यूपी का नाम मिटा दिया। माननीय एन सनमुखम।